अनुपमा चोपड़ा विधु विनोद चोपड़ा की बीवी है एंड 25-30 साल से इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं एंड शी इज़ गॉट ग्रेट कनेक्शंस राइट। तो कोई भी अगर मूवी है तो मोर और लेस चांस है कि उस मूवी के जितने भी लीड एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं मोर और लेस डायरेक्टर्स हैं वो अनुपमा चोपड़ा को इंटरव्यू ज़रूर देंगे। एंड करण जौहर इज़ ऑब्वियसली वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन एंड वो अनुपमा को हमेशा ही इंटरव्यू देते हैं, सेम एज संजय लीला भंसाली, बिकॉज संजय लीला भंसाली वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद विधु विनोद चोपड़ा एंड हेंस ही इज़ फ्रेंड्स विद अनुपमा और वो भी अनुपमा को मोर और लेस इंटरव्यूज देते ही हैं। एंड सिमिलरली शाहरुख हो गया या ऋतिक या अजय फॉर दैट मैटर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अनुपमा से बात करते ही हैं। अब एक चीज़ मैंने अनुपमा चोपड़ा की देखी है कि कभी भी फिल्म कंपेनियन पे कोई भी इंटरव्यू शुरू होगा, कोई भी इंटरव्यू राइट, कोई भी फिल्म का कोई भी इंटरव्यू शुरू होगा तो द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क इज कि हाउ डिड यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर राइट, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल राइट। चाहे वो फिल्म एक ओवर द टॉप फिल्म हो, चाहे वो फिल्म एक मास फिल्म हो जिसके लिए लाइक सलमान खान मोर और लेस ही प्लेज हिमसेल्फ इन द मूवीज, अल्लू अर्जुन ही प्लेज हिमसेल्फ इन द मूवीज, बट आई एम श्योर कि वो किसी का भी इंटरव्यू लेगी, इट डज नॉट मैटर। इवन वो पवन कल्याण का भी इंटरव्यू लेती है तो शील द फर्स्ट क्वेश्चन शील आस्क इज कि हाउ डिड यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल। एंड आई थिंक एक चीज़ जो मेरे को बहुत अनॉय करती है अनुपमा की वो ये है कि शी इज़ वेरी एलिटिस्ट, शी इज़ वेरी एलिटिस्ट। आई रिमेंबर कि मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उनका एक उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक इंटरव्यू किया था एंड वो इंटरव्यू में अनुपमा सेज कि नवाज शी सेज इन हिंदी कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप मैनेज करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इंग्लिश अच्छी नहीं है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा उस इंटरव्यू को अनुपमा के साथ हिंदी में करने के लिए। तो अनुपमा से इसकी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपके साथ कॉपरेट करना, विच वॉज वेरी एलिटिस्ट यार। आप हिंदी मूवीज़ के जर्नलिस्ट हो, आपका हस्बैंड ने हिंदी फिल्म्स बनाई हुई हैं, आप हिंदी फिल्म्स के रिव्यू करते हो और आप कह रहे हो एक हिंदी एक्टर को इंडिया में रहते हुए बॉम्बे जैसे सिटी में रहते हुए कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है राइट। एंड अगेन उसके बाद जब इंटरव्यू पूरा हुआ नवाजुद्दीन के साथ अनुपमा का तो वहाँ पर कभी भी ऐसा दिखा नहीं कि अनुपमा की हिंदी अच्छी नहीं है, बट अगेन एक वो जो इंडिया में जो एक इंग्लिश क्लास है उस क्लास में जो लोग फिट इन हो चुके हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि हिंदी में बात करना एंड हिंदी में बोलना इज़ अ बिट शेमफुल फॉर देम, तो वो थोड़ा सा ऐसा बबल क्रिएट करते हैं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बट मैं मैनेज कर लूँगी एंड ऑल दैट राइट। विच वॉज वेरी वेरी ऑफेंसिव फॉर मी यार, आई रियली डिड नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगेन आप हिंदी फिल्म का रिव्यू करते हो, बॉम्बे में रहते हो, हिंदी फिल्म में आपका हस्बैंड बनाता है हिंदी मूवीज़ के, आप जर्नलिस्ट, और आप कह रहे हो कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है एंड इंटरव्यू को देखने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि हिंदी आपके लिए कोई बैरियर नहीं था बट फिर भी आपने बोलने के लिए बोला बिकॉज जो वो बॉम्बे का जो एलीट सर्कल उस इंटरव्यू को देखा तो उसको नहीं लगना चाहिए कि अरे अनुपमा की हिंदी फ्लुएंट है राइट। तो ये एक चीज़ है। एंड सेकेंडली आई सी कि अनुपमा इज ऑलवेज लाइक इंटरव्यूज में शील कोट की बिल मरे ने वो रोल किया था उस इंग्लिश फिल्म में, जेवियर बाडम ने वो रोल किया था उस इंग्लिश फिल्म में, डैनियल क्रैग ने ये किया इस इंग्लिश फिल्म में, आपको क्या लगता है राइट। अगेन ये सिर्फ अनुपमा की प्रॉब्लम नहीं है, मोर और लेस जो लोग इस वीडियो को सुन भी रहे होंगे और काफ़ी सारा इंडिया का बहुत बड़ा सर्कल है जो इसी चीज़ पे रहता है कि हर चीज़ का रेफरेंस पॉइंट वेस्ट की मूवीज़ को ही लेता है विच इज़ अंडरस्टूड, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट हिंदी फिल्मों में यार राउडी राठौड़ का आई रिमेंबर एक इंटरव्यू अनुपमा ने अक्षय के साथ किया था एंड शी स्टार्टेड द इंटरव्यू बाय सेइंग कि डैनियल क्रैग की एक मूवी आ रही है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू एंड उसमें डैनियल क्रैग ने ये किया था तो आपने भी डबल रोल किया, आपको क्या सीखने को मिला एंड ऑल दैट। एंड राउडी राठौड़ जिस यूनिवर्स की मूवी है, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू जिस यूनिवर्स की मूवी है उसका कोई लेना देना नहीं। द गर्ल द ड्रैगन टैटू का डायरेक्टर डेविड फिंचर थे एंड राउडी राठौड़ के डायरेक्टर प्रभु देवा थे, दोनों अलग यूनिवर्स में फिल्म्स बनाते हैं, तो इनको कंपेयर करना या कहना कि उससे आप क्या रेफरेंस पॉइंट लिए, इट्स लाइक एक साइंटिस्ट को ये कहना कि आप लता मंगेशकर से क्या सीखते हो राइट। तो आई डोंट नो, मे बी आप ह्यूमन वैल्यू सीख सकते हो बिकॉज दोनों ह्यूमन है, एक साइंटिस्ट भी और एक लता मंगेशकर जी भी, बट यार दोनों का फील्ड एकदम अलग है राइट। तो वो कुछ भी ऐसा चीज दोनों एक दूसरे से नहीं सीख सकते जो उनको उनके फील्ड में एक्सेल होने के लिए वर्क करेगा। बट दिस इज बीन अ हैबिट इन ऑल ऑफ अनुपमाज इंटरव्यू। एंड अगेन शी इज रियली बायस टूवर्ड्स साउथ इंडियन मूवीज, शी इज रियली बायस टूवर्ड्स इंग्लिश मूवीज, विच इज़ वेरी एविडेंट यार, ये तो बहुत दिखता भी है कि शी इज़ बायस्ड, बिकॉज अगर मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म आएगी तो यू आर बाउंड टू सी कि शी इज़ गोना बैश इट। और भी फिल्म कंपनी में लोग काम करते हैं तो आई थिंक वो सेटअप हुआ ही इसलिए है कि साउथ की फिल्मों को
पुश किया जाए, साउथ की फिल्मों को एक्नॉलेज किया जाए एंड हिंदी फिल्मों को डीमीन किया जाए। तो आई थिंक वो सेटअप ही उस वे में हुआ हुआ है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अनुपमा चोपड़ा को फिल्म्स की इतनी नॉलेज है, राइट, अगर उसने इतनी बिल मरे की मूवीज़ देख रखी हैं, इतनी जेवियर बाड़म की मूवीज़ देख रखी हैं, इतनी डैनियल क्रेक की मूवीज़ देख रखी हैं, स्पीलबर्ग और डेविड फिंचर और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और नोलन को एकदम उनकी लाइफ को एकदम घोट के पी लिया है, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि उनके हस्बैंड जो है विधु विनोद चोपड़ा, वो उनको वो एडवाइस क्यों नहीं करती था कि विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन की भी फिल्म कुछ हिट हो। बिकॉज मैंने मेरी मेरी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें ये बहुत ही क्लियर है कि विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन की जो भी फिल्मोग्राफी है, जितनी भी फिल्म हैं, उसमें सारी फिल्म फ्लॉप हैं एक्सेप्ट फॉर द फिल्म जो राजकुमार हिरानी ने विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन के लिए बनाई है, राइट। तो अगर आप मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, PK और संजू को हटा देते हो, इन पांच फिल्म को हटा देते हो, तो विधु विनोद चोपड़ा के बाकी जितने भी फिल्म्स हैं, मिशन कश्मीर, एकलव्य, ब्रोकन हॉर्सेस नाम की खुद फिल्म आई थी जो विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, देन फरारी की सवारी, देन वो कश्मीर मुद्दे पे जो फिल्म आई थी जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने सही पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया है, शिकारा आई थिंक नाम था उसका वो फिल्म, तो ये फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो अनिल और सोनम की फिल्म थी, अनिल कपूर सोनम कपूर की, ये सारी फिल्म फ्लॉप है। बहुत सारी फिल्म इसमें से वॉश आउट है, एकलव्य तो वॉश आउट थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वॉश आउट थी, ब्रोकन हार्सेस वॉश आउट थी, शिकारा वॉश आउट थी, बाकी मिशन कश्मीर बिकॉज ऑफ ऋतिक एंड संजय दत्त एंड फरारी की सवारी काइंड ऑफ विजिबिलिटी एक पाई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट मोर और लेस विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस की जितनी भी फिल्म हो सारी फिल्म फ्लॉप हैं एंड वही फिल्म हिट है जो राजकुमार हिरानी ने उनके लिए बनाई है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि अनुपमा चोपड़ा की इतनी नॉलेज अगर है तो वो विधु विनोद चोपड़ा से अपने हस्बैंड से शेयर क्यों नहीं करती, ताकि वो भी एक पाथ ब्रेकिंग सिनेमेटिक माउंटेन को मूव कर देने वाली फिल्म बनाए, राइट। बट आई एम 100% श्योर कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ की दिक्कत आ रही है अनुपमा और विधु विनोद चोपड़ा में, मे बी कम्युनिकेशन गैप है, या मे बी ये गैप है कि अनुपमा अपने बबल में जीतती है, विधु विनोद चोपड़ा अपने बबल में जीतते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है यार, आई पर्सनली थिंक, लुक अगेन, तारण आदर्श हो गया या टाइम्स ऑफ इंडिया जो वेबसाइट है यार, वो लोग मूवी को उसकी टोटैलिटी में देखते हैं, राइट। वो लोग तारण आदर्श का लोग मजाक उड़ाते हैं दिस एंड दैट, बट तारण आदर्श कभी भी यार एक 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 अल्लू अर्जुन की पुष्पा टाइप की मूवीज को कभी भी ये सोच के देखने नहीं जाता कि यार कल नोलन की फिल्म देखी थी तो वो उसमें ऐसा ऐसा था, तो आज की फिल्म में वैसा ऐसा है या नहीं है, एंड डिसअपॉइंट हो रहा है कि नहीं वो पाथ ब्रेकिंग थी या पाथ ब्रेकिंग नहीं है, चलो इस मूवी को हिट जॉब करता है इस मूवी पे। तरण आदर्श वैसे नहीं करते हैं, राइट। सेम टाइम्स ऑफ इंडिया के आप रिव्यूज देखोगे तो फिल्म को उसकी यूनिवर्स में देखा जाता है कि यार जिस जो फिल्म जिस ऑडियंस के लिए बनी है, उस फिल्म का यूनिवर्स जिस फिल्म सेटअप हुआ है, जो ट्रेलर से प्रोमिसेस थे, क्या वो उसको फुलफिल करती है या नहीं करती। बट अनुपमा चोपड़ा की मैंने देखी है एक ये प्रॉब्लम है कि लाइक मेन स्ट्रीम फिल्म तो शी इज गोना बैश लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड साउथ की फिल्में अनुपमा को बहुत पसंद आती हैं, एंड एंड ऑल दो अनुपमा को पुष्पा पसंद नहीं आई थी, एंड पुष्पा 100 करोड़ कमा गई, तो अनुपमा ने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए कि क्या हो रहा है, कैसे साउथ की फिल्म 100 करोड़ कमा सकती है, हिंदी बेल्ट पे वो भी डब फिल्म एंड ऑल दैट। बट वही चीज़ है, मैं अनुपमा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है हिंदी फिल्मों में और वो एकदम कैरेक्टर्स को पढ़ चुकी हैं, बिल मरे और डैनियल क्रेग और डेविड फिंचर की फिल्म मेकिंग को, तो वो अपने हस्बैंड से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें और हस्बैंड वाइफ मिल के एक फिल्म बनाएं जो कि एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म साबित हो।